हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप फ्रॉम केवल मेडिकल सेंटर। आज हम बात करेंगे कॉमन गलतियां जो हम स्किन केयर की करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, जिससे हमारा स्किन डैमेज हो सकता है। सो पहली बात जो मैं बोलूँगा, जब विंटर्स आती हैं तो अक्सर हम गर्म पानी से नहाना चाहते हैं और लंबे समय तक गर्म पानी से नहाते हैं, जिससे हमारा स्किन की ड्राइनेस बढ़ती है, हमारी स्किन की फिजिकल बैरियर डैमेज होती है एंड आवर स्किन स्टार्ट लुकिंग डल एंड डार्क। तो गर्म पानी से लंबे समय तक ना नहाएं, ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा लंबे समय तक ना नहाएं। नंबर सेकंड, नहाने के बाद अगर हम हार्श टॉवल्स यूज़ करते हैं, स्किन को रब करते हैं, तो वो भी हमारे स्किन डैमेज और मॉइस्चर लॉस को इंक्रीज करती है। तो जेंटल सॉफ्ट टॉवल्स इस्तेमाल करें, उससे डैप करें स्किन को, ज़्यादा हार्श टॉवल्स का इस्तेमाल ना करें। नंबर थ्री इज़ सिटिंग इन सन और फायर फॉर लॉन्ग टाइम्स। जब आप सूरज में या आग के पास लंबे समय बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके स्किन पर आता है। वो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेज आपके स्किन को पेनिट्रेट करती हैं एंड देन दे मेक योर स्किन एज फास्टर, लुक डार्कर एंड डल। अगर आप इसके पास बैठ रहे हैं या इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन को प्रॉपरली कवर करें, सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करें। बिसाइड दिस, लैक ऑफ यूजिंग ऑफ प्रॉपर स्किन मॉइस्चराइजर्स। जब विंटर्स आती हैं तो हम स्किन मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनफैक्ट विंटर्स में हमें अच्छे स्किन मॉइस्चराइजर का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो हाइड्रेटिंग हो, हमारे स्किन को मॉइस्चर को लॉक करें और हमारे स्किन को डिहाइड्रेट ना होने दें। सो दैट इज समथिंग जो आपको माइंड में रखना चाहिए। नंबर फिफ्थ इज लैक ऑफ यूजिंग अ प्रॉपर सनस्क्रीन रेगुलरली ड्यूरिंग द विंटर्स। विंटर्स में हमको ऐसा लगता है कि सन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, या हम ज़्यादा समय इंडोर्स हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, विंटर्स के अंदर भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपको सनस्क्रीन रेगुलरली इस्तेमाल करनी चाहिए एंड टू अवॉइड द पिगमेंटेशन एंड ऑल्सो डिहाइड्रेशन ऑफ योर स्किन, डैमेज टू योर स्किन। तो सनस्क्रीन को रेगुलरली इस्तेमाल करें इन विंटर्स, टेक अ गुड केयर ऑफ योर स्किन। नंबर सिक्स इज समटाइम वी इग्नोर अवर स्किन इन द विंटर्स, एंड जो स्किन के हमारे स्किन केयर के जो रूटीन्स होते हैं जो हम देते हैं, अ प्रॉपर क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, टोनर, उनको हम कई बार नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द लेजीनेस और बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आर वी आर डूइंग। तो उसको हमें अवॉइड करना है, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन्स को लेना है जो हम बाकी सीजन में भी फॉलो करते हैं। अनदर थिंग इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब विंटर्स आती हैं तो अक्सर लोग एक्सरसाइज नहीं करना पसंद करते, बैठना या सोना पसंद करते हैं, दे बिकम मोर लेजी, दे बिकम लेस फिजिकली एक्टिव। जितना हम फिजिकली कम एक्टिव होंगे, हमारा स्किन ड्राई और डल होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इन विंटर्स वी रिमेन एक्टिव एंड वी कीप अवर स्किन वेल मॉइस्ट एंड ऑल्सो प्रॉपर उसका सर्कुलेशन मेंटेन करके रखें विद एक्सरसाइज। नंबर 18, प्रॉपर डाइट। विंटर्स में आपको प्रॉपर डाइट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़रूर लेने चाहिए ताकि हमारे स्किन का ग्लो और प्रॉपर मॉइस्चर बना रहे। उसके लिए इनको प्रॉपर डाइट, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए एंड वी शुड अवॉइड थिंग्स दैट कैन मेड अवर स्किन लुक डल एंड ड्राई। नंबर इंक्रीज द स्वीट्स इन विंटर्स। विंटर्स आते हैं, हम बहुत सारी मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स विंटर्स में आते हैं, जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, इसमें चॉकलेट्स और मिठाइयाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। जब ये बढ़ती हैं तो हमारे एक्ने ब्रेकआउट बढ़ने लगते हैं, पिंपल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन के अंदर स्किन की कई बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अवॉइड दीज स्वीट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द विंटर्स, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एंड नंबर 10th इज, अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स हमारी विंटर्स में बढ़ती हैं तो उसको ठीक टाइम पर हम ट्रीट नहीं करते तो वो प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ सकती हैं। हम बार बार कह चुके हैं, स्किन की बहुत सारी बीमारियां विंटर्स में बढ़ जाती हैं, तो जैसे ही वो शुरू हों उनको ठीक टाइम पर आप इलाज करवाएं, उनको आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गई हैं तो फिर उनको ठीक करना मुश्किल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।